आप सीटें क्यों नहीं लगवा सकते, जबकि कह रहे हैं कि वो लड़कियां सीटें लगाती हैं, आप भी लड़की हैं, आप भी खूबसूरत हैं, खूबसीरत हैं, तो क्यों नहीं लगा सकती आप? आप में क्या कमी है कि जिस वजह से आपकी सीटें नहीं लगती, और उनमें क्या ऐसी खूबी है कि उनकी सीटें लगती हैं? मुझ में क्या कमी है, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी। मुझ में ये कमी है कि मुझसे इस तरह के काम नहीं होते, किस तरह का? कि मैं लोगों से बातें करूँ, मैं ऐसे फ़ैन बनाऊँ। फ़ैन का मतलब होता है कि आप अपने आर्ट से, आप अपने फ़न से अपने फ़ैन बनाएं। फ़ैन का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे लोगों को फ़ैन बनाएं, ऐसे लोगों से दोस्तियां करें जिन्हें आप फ़ोन करके सीटों के लिए बुलाएं, उसके बाद आप वो उनके साथ घर जाएं या वो आपके घर आएं या आप लोग खाने पे जाएं, इस ये फ़ैन नहीं होते। तो ये काम मुझ में नहीं होते, ये मेरे में कमी है और ये मैं कभी पूरी नहीं कर सकती। तो जो आप में कमी है इसको आप पूरा तो नहीं कर नहीं, सकते, मैं नहीं कर सकती। लेकिन आप इसके खिलाफ इत्तेजाज तो कर सकती हैं, और वो इत्तेजाज इत्तेजाज जो है वो आपका रिकॉर्ड भी हुआ। गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं आप? गवर्नमेंट से मैं बस यही कहूँगी, मैंने इमरान खान साहब को पहले भी कहा था, वहाँ तक तो पता नहीं आवाज़ जाती कि नहीं जाती, पता नहीं जाती और वो सो जाते हैं सुन के। तो बस मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा इन तरफ ये आर्ट काउंसिल जो होती है हमारी, जो ड्रामा सेंसर करते हैं पहले उसके बाद इसको पास करते हैं, वो थोड़ा गौर करें, वो भी ये पूछा भी करें ड्रामे के बारे में। तो वो पूछ रहे हैं कि ड्रामे की स्टोरी क्या है, ड्रामे में फलाने बंदे का नाम क्या है, ड्रामे का डायरेक्टर कौन है, तो ये भी पूछा करें कि जो एक्टर खड़े हैं वो एक्टर ही हैं, वो पहले कितना काम कर चुके हैं, पहले कभी कहीं नज़र भी आए हैं, ये भी पूछा करें ना। साथ जो लड़कियां खड़ी हैं उनसे पूछते नहीं है कि लड़की पहले कहाँ थी, कहाँ थी, आउटडोर वाली लड़की यहाँ है, यहाँ वाली आउटडोर में, यहाँ पे मैंने काम शुरू किया था लाहौर में स्टार्ट, और मैं लाहौर की ही रहने वाली हूँ और मुझे यहाँ पे लाहौर में काम नहीं है मेरे लिए। अभी आपने बात की कि यहाँ के आउटडोर, आउटडोर में इस वक्त जो लाहौर का मैं नज़र रखता हूँ कि लाहौर में जितने भी सीनियर मेल फनकार हैं या फीमेल फनकार हैं वो आउटडोर कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? बस वही वजह है, वो देखें हमारे सीनियर जो नसीम विक्की साहब हैं, ठीक है, इतना उन्होंने काम किया है इस फील्ड के लिए, उन्होंने इतना कितना सारा काम किया है, वो बाहर भी गए हैं, आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, सिटी भी गए हैं, हर जगह उन्होंने काम किया, आज उनके लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है। क्या वजह है, क्यों? वजह यही है कि जो लोग, जो एक्टर होता है ना बंदा, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ एक फजूल बंदा खड़ा किया जाए और वो उसके साथ ड्रामा करे। एक्टर के साथ एक्टर ही खड़ा होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। फालतू लोग खड़े होते हैं ना तो वो फिर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। इत्तेजाज में आपके साथ जो आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं या जो एक्टर हैं आपकी नज़र में, मेल में और फीमेल, वो क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्या वजह है? आप अकेली ही क्यों ये जंग लड़ रही हैं? वो क्यों नहीं खड़े हो रहे मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी को कहा ही नहीं। अगर किसी को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मुझे अजीब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कह दिया, ठीक है। और मैं पहले भी यही कहा था, मैं अभी भी यही कहूँगी, फिर नेक्स्ट कभी भी आएंगे आप या कोई और भी, मैं तब भी यही कहूँगी। बात सिर्फ इतनी सी है, बस गौर करें, आपकी मेहरबानी है, प्रोड्यूसर हैं जो भी है सारे, प्लीज़ गौर करें। अगर तो ये आप चाहते हैं थिएटर वाली इंडस्ट्री जो ख़राब ना हो, तो इस पर थोड़ा गौर किया जाए, इसको बचाएं, अगर नहीं बचाना चाहते फिर मज़ीद और ख़राब हो जाएगा। तो ड्रामे वाकई ड्रामे नहीं है, फंक्शन वाला हिसाब हो गया है, फंक्शन वाली लड़कियाँ आ गई हैं तो उनको कास्ट कर लिया जाता है, बाकी एक्टरों की कोई परवाह ही नहीं किसी को। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।